नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी पर किताब। आज हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी पर। श्री लाल शुक्ल का ये उपन्यास 1968 में जब प्रकाशित हुआ था तो बहुत से लोगों को लगा था कि ये उपन्यास पठनीय है, व्यंग के कारण मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन इसमें एकहरापन है, इसमें व्यंग की भरमार है, इसलिए इस उपन्यास को पता नहीं कितने लोग पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उनमें से कितने याद रखेंगे। इस उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार ज़रूर मिला, लेकिन ये कहने वालों की भी कमी नहीं थी कि ये उपन्यास बहुत स्थायी महत्व का उपन्यास नहीं सिद्ध हो पाएगा। इसकी कमियाँ गिनाई गईं कि इसका कथ्य कहरा है, अवध के जीवन का इसमें अधूरा चित्रण है, महिला पात्र ना के बराबर हैं, अवध के बारे में भी होते हुए भी इस उपन्यास में एक भी मुस्लिम या दलित या इस तरह का पात्र बहुत सक्रिय भूमिका में नहीं है, महिलाएं केवल संदर्भ के रूप में आती हैं, और इसलिए माना गया कि कोई बहुत दमदार उपन्यास ये नहीं है, ऐसा बहुत से लोगों ने कहा। लेकिन और ये भी कहा गया कि ये उपन्यास केवल व्यंग्य का उपन्यास है। आज लगभग 50 साल बाद राग दरबारी ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया है जिनको लगता था कि इस उपन्यास को बहुत से लोग पढ़ेंगे नहीं और जो पढ़ेंगे उनमें से ज़्यादातर याद नहीं रखेंगे। इस उपन्यास के न जाने कितने संस्करण हो चुके हैं, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, इस पर टीवी सीरियल बन चुका है और इस उपन्यास के वाक्य पढ़े लिखे हिंदी भाषियों के मुहावरों में शामिल हो चुके हैं। खास करके इसका एक वाक्य, एक कथन जो उस उपन्यास की बेचैनी को प्रकट करता है कि शिवपालगंज सारे देश में फैलता चला जा रहा है। आज 30-40 साल बाद ये बात और भी सच्ची लगती है। इस उपन्यास में सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लंगड़ की ट्रेजेडी, इसमें विडंबना का गहरा बोध। असल में व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उपन्यास व्यंग्य का नहीं, विडंबना का उपन्यास है और वस्तुतः ये विडंबना का क्लासिक है। राग दरबारी उपन्यास हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग रचना है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ। श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राग दरबारी में श्री लाल शुक्ल ने आजादी के बाद भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत दिखाया है। उपन्यास में रोचकता के साथ साथ व्यापकता और गहराई है। राग दरबारी शिवपालगंज गांव की कहानी है, जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बीच निहित स्वार्थी तत्वों के आघात के सामने खिसक रही है। इसमें सच की लड़ाई लड़ने वाले लंगड़ के भाग्य में उदासीनता, उपहास और विफलता के सिवाय कुछ नहीं है। राग दरबारी उपन्यास व्यंग से कहीं अधिक समाज की विडंबना की कहानी है। आज इस महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं युवा फिल्मकार, पत्रकार अविनाश दास। अविनाश, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू। अविनाश दास इन दिनों अपनी फिल्म अनारकली या फारा के कारण चर्चा में है। इनकी इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई है, बहुत चर्चा हो रही है। इसके पहले ये आमिर खान प्रोडक्शंस के सत्यमेव जयते कार्यक्रम के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट का काम कर चुके हैं, NDTV से संबद्ध रह चुके हैं और हिंदी का एक अत्यंत चर्चित और कई बार विवादास्पद ब्लॉग मोहल्ला लाइव चला चुके हैं। बहुत स्वागत अविनाश आपका। थैंक यू सर, अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए। आपने कब पढ़ा ये उपन्यास? देखिए, मतलब हिंदी में जब भी कोई आदमी थोड़ा जागरूक होता है और किताबों की ओर मुड़ता है तो कुछ नॉवेल्स वो पढ़ता है, मैलांचल, गोदान, तो उसी श्रृंखला में जो 80 के बाद सजग हुए लोग हैं ना, वो उनके पास कुछ पहली किताबें जो होती हैं उनमें राग दरबारी होती है। तो मैंने 90s के शुरुआती दौर में ये किताब पढ़ी थी। आपकी बात से एक बात मुझे ये याद आई, मैं थोड़ा गर्व कर लूँ इस बात पर जी कि सजग था या नहीं था। मैं सजग था शायद क्योंकि मैंने ये उपन्यास जब ये प्रकाशित हुआ था तभी पढ़ा था। क्या बात है, क्या और तब मेरी उम्र 13-14 साल थी। और जब ये बात मैंने श्रीलाल जी को बताई थी तो बहुत गदगद हुए थे कि तुमने इतने छोटपन में पढ़ा था ये उपन्यास। क्या बात है।
और मैंने कहा कि तब से मैं 50 बार इसको पढ़ चुका हूँ। लेकिन खैर, आपकी बात से जो एक सवाल पैदा हुआ, आपने कहा कि जब हिंदी का कोई पाठक सजग होता है तो जिन 3-4 उपन्यासों को वो जरूर पढ़ता है उनमें से एक राग दरबारी है। आपको राग दरबारी पढ़ने के लिए किसी ने सुझाया या जिसे कहते हैं कि इट वॉज जस्ट इन द एयर? नहीं नहीं नहीं, दरअसल होता क्या है कि हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आपको रेफरेंस बताएं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं दरभंगा से हूँ, बिहार का एक बहुत ही मतलब मिथिला वाला हिस्सा है वो जी। तो दो लोगों के मैं बड़ा करीब था वहाँ पे, बाबा नागार्जुन और रामधारी सिंह दिवाकर जो कि हिंदी के कथाकार हैं। तो मैं दोनों लोगों के पास जाता था और लगभग दोनों लोगों ने ही मुझे कहा कि यार ये पढ़ लो, है ना, उसके बाद तुम फिर मेरे घर पे आओ। एक टास्क ही होता था, मैं बार बार पहुंच जाता था तो हर बार वो एक टास्क दे देते कि ये पढ़ के आना। उसमें राग दरबारी मेरे हाथ लगी थी। आपने ये राग दरबारी जब पढ़ा तो आपने कहा 90s का शुरुआती मतलब 92-93। हाँ, तो आज करीब करीब 20 साल से ऊपर 25 साल हो गए आपको राग दरबारी पढ़े हुए। राग दरबारी पढ़ करके उस समय आपको कैसा लगा था और आज अगर आप दोबारा पढ़ें या उन स्मृतियों से गुजरें तो कैसा लगता है? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या आप पर अभी भी राग दरबारी का जादू या उसका मोह वैसा ही है या कुछ आलोचनात्मक हुए हैं आप इस उपन्यास में? नहीं, देखिए, जब मैंने राग दरबारी पढ़ा था और जिस अंदाज में मुझे रेफ़र किया गया था राग दरबारी, तो मुझे लगा कि मैंने जो है कहना पाया कि कैसे एक कथा को मतलब कहा जाए रोचक अंदाज में। वो उस समय एक अंदाज़ा वो लग गया था और बड़ा मज़ा आया था। लेकिन इतने सालों के बाद इस तरह के नॉवेल घुलते रहते हैं और मैं आज मानता हूँ कि राग दरबारी को समझा मैंने बहुत बाद में, पर तो उस समय लिया था। बट धीरे धीरे जब समझ बनती है, जब आप देश में देश को एक शिवपालगंज में बदलते हुए देखते हो, है ना, आप देखते हो कि देश जो है पूरा का पूरा गंजा हो रहा है। देश जो है वो थोड़ा मतलब समझिए कि क्रूर होता जा रहा है, उसकी तमाम चंगामल कॉलेज बन रही है। तो मुझे लगता है कि मतलब यार एक आदमी जो अपने गांव या अपने जाने हुए कस्बे की कहानी इस तरह से लिखे कि बाद में वो देश का इतिहास समझ में आए, देश का इतिहास लगने लगे, तो अब वो ज़्यादा प्रासंगिक और ज़्यादा मतलब समझ में आने वाली चीज़। मुझे अभी भी बहुत सारे चरित्र, बहुत सारी घटनाएँ याद है। जबकि हमारी बातचीत 2-3 दिन पहले हुई थी इस पर बात करने की, हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं पलटूं, लेकिन फिर भी स्मृतियों से मैंने बहुत कुछ जो है वो समेटने की कोशिश की। तो आपने अभी लंगड़ का नाम लिया, रंगनाथ तो एक मुख्य पात्र तो बद्री है, बद्री है, वैद्य हैं, है ना, जो छोटा पहलवान है, ये सारे लोग, या जो कलकत्ते में अफीम की रामाधीन बीकम खेड़वी जो शायरी भी करता है, तो इस तरह के सारे चरित्र आप अपने आसपास दिल्ली जैसे शहरों में भी आपको मिलेंगे। नहीं, लेकिन लेकिन अविनाश, यहाँ मैंने जैसा कहा कि मैंने ये उपन्यास पहली बार तब पढ़ा था और उसके बाद मैं कई बार इसे पढ़ चुका हूँ, मेरे मन में एक सवाल ज़रूर आता है और मुझे लगता है कि इस उपन्यास के आलोचक जो हैं उनकी इस बात में दम है कि उपन्यास एक तरह से नकारात्मकता से ऑब्सेस्ड है। शिवपालगंज में, पूरे शिवपालगंज में, और अगर हम कहें कि शिवपालगंज एक तरह से भारत का रूपक है, तो चाहे 1968 का भारत हो और चाहे 2017 का भारत हो, क्या कहीं कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है? दरअसल आप दूसरी तरह से चीज़ों को देखते रहे हैं और चूंकि आप एक प्राध्यापक भी मतलब हैं, तो आप बहुत सारे नज़रिए से एक नॉवेल को देख रहे हैं। मैं एक साधारण पाठक हूँ और उस तरीके से जब मैं देखता हूँ राग दरबारी को, तो मुझे लगता है कि राग दरबारी एक ऐसे गांव की कथा है जो गांव बिगड़ चुका है। उससे पहले अगर पंत की कविताओं में गांव को देखें या मतलब साहित्य में गांव को जो हमने देखा है, वो बहुत सुंदर सुंदर सारी छवियां गांव की जो है उसका कोलाज बनाने की कोशिश की जाती रही साहित्य में। पहली बार वो जो मिथक है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा होने का, उस मिथक को कायदे से तोड़ा गया है। तो हमको लगता है कि उस दौर में एक बड़ा हस्तक्षेप था कि भाई हम दिखाएं कि दूसरा पहलू क्या है। आप समग्रता में अगर किसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि एक जो अच्छा हिस्सा हो सकता था वो छूट गया है नॉवेल से। नहीं, मैं अविनाश, मैं अपनी बात फिर से थोड़ा स्पष्ट करके कहता हूँ,
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक तरह का रोमांटिक ग्लोरीफिकेशन था गांव का, उसको श्रीलाल शुक्ल ने तोड़ा, और सच कहा जाए तो उसको प्रेमचंद बहुत पहले तोड़ चुके थे, किसी हद तक रेणु तोड़ चुके थे, जो रोमांटिक ग्लोरीफिकेशन है गांव का। तो जो गांव का जो सत्ता संघर्ष है, पावर डिस्कोर्सेस है, जात पात की जो एक वास्तविक सच्चाइयाँ हैं, और अपनी तमाम रचनात्मक सीमाओं के बावजूद नागार्जुन के स्वयं के उपन्यास उस तरह के मृतक को तोड़ते हैं, रतिनाथ की चाची, हाँ, वो चीज़ें वो तोड़ते हैं। मेरा सवाल ये था कि बात केवल ग्रामीण जीवन के रोमांटिक मृतक को तोड़ने की नहीं है। एक भयानक से भयानक स्थिति में कहीं कोई मानवीय संभावना, कहीं कोई मानवीय प्रतिवाद, इसकी कोई गुंजाइश श्री लाल शुक्ल अपने उपन्यास में नहीं देखते। मुझे ये बात बहुत रोचक भी लगती है और थोड़ी चिंताजनक भी लगती है। आपने थोड़ी देर पहले लंगड़ का जिक्र किया, जो अपनी मतलब ज़मीन को सेव करने के लिए एक पिटिशन डालता है, नकल हासिल करने के लिए, और उसके अपने चक्कर हैं कोर्ट कचहरी के। तो होता क्या है कि जो न्याय चाहता है या न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, उसकी भी स्थिति समाज में दयनीय है। उस समय हम लोगों को लगता है कि यार पहले बहुत कुछ अच्छा रहा होगा, लेकिन ये दस्तावेज की तरह हमारे सामने है कि समाज की स्थिति हमेशा से जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं रही है, है ना। बहुत सारे मतलब शेड्स में समाज ऐसा ही रहा है जैसा आज ये, है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, हाँ। कि आज हम अपने समाज की जिस सड़ांध को लेकर परेशान होते हैं, राग दरबारी हमें ये याद दिलाता है कि इस सड़ांध के शुरुआत आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, और 1968 तक आते आते तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ चली थी, 21 साल हो चुके थे आज़ादी को, ये आपने सही कहा। लेकिन देखिए अविनाश, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि हम किसी और चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि आप अध्यापक हैं और मैं एक पाठक की तरह पढ़ता हूँ, तो मैं अध्यापक हूँ लेकिन उसके पहले एक पाठक हूँ। नहीं, बिल्कुल, और छोटा मोटा लेखक भी हूँ। और आप जब कह रहे हैं कि मैं एक पाठक की तरह पढ़ता हूँ, आपकी अपनी फिल्म की अगर मैं बात करूँ जी, तो वो आज के आरा में, या आरा को आप रूपक मान लें, तो देश में जो स्थितियाँ हैं उनका बड़ा निर्मम और बेबाक चित्रण करती है, लेकिन वो कहीं प्रतिवाद की एक संभावना को भी रेखांकित करती है। वो कहीं ये भी पुरजोर ढंग से कहलवाती है अनारकली से कि गुलामियाँ को अब ना ना ना। मैं कल्पना करता हूँ कि अगर ये कहानी आगे चले तो हो सकता है कि अनारकली का कत्ल करवा दिया जाए, ये मुमकिन है। बिल्कुल, अगर ये कहानी जीवन में चले तो, या उसके साथ कुछ ऐसी संभावना पर हम लोगों ने बात भी की। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, फिल्म अगर फिल्म के बाहर जाए तो ये संभव है। इसके बावजूद वो आपकी केवल कल्पना नहीं है, प्रतिवाद के ये स्वर हैं समाज में जिनको आपकी वो फिल्म नोट करती है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि 1968 में जब श्रीलाल जी उपन्यास लिख रहे थे तो समाज में सड़ांध थी, सारे देश में शिवपालगंज फैल रहा था, लेकिन उसी समय प्रतिवाद के कुछ स्वर थे। आपको ऐसा, आपकी क्या कल्पना है, आपका क्या अंदाज है कि क्यों श्रीलाल जी ने इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और एक बहुत ही तीखी विडंबना का उपन्यास उन्होंने लिखा जिसमें हालत यह है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, इसका क्या कारण आपको लगता है, और इस पर आपकी क्या टिप्पणी? थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक हद तक अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि एक समय में, मतलब जो जिस समय उपन्यास लिखा जा रहा होगा उसमें बंगाल में अलग किस्म की क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, भूदान की एक बड़ी ज़मीन तैयार हो रही थी, जिसके आगे चल के उन्होंने उपन्यास लिखा, तुरंत बाद श्री लाल जी ने भूदान पर उपन्यास लिखा आगे चल के, उसके बाद जो है वो संपूर्ण क्रांति की पूरी ज़मीन तैयार हो रही थी। तो मतलब रेफरेंस के तौर पे शिवपालगंज जैसी जगह पे जहां हर तरह के चर्चे होते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा होनी चाहिए थी, और मतलब हो सकता था किसी पात्र के जरिए वो उस गली में जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए, तो इसकी कोई मतलब साकांक्षी कोशिश भी उनकी रही होगी, और मुझे लगता है कि बेहतर बता सकते थे श्री लाल शुक्ल ही उसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने पढ़ा है इस नॉवेल को, उन लोगों ने इन चीज़ों को तलाशने की कोशिश भी नहीं की, उनको लगा कि ये मुकम्मल जो है छवि है हमारे समाज की, और उसको पाठकों ने या मतलब आलोचकों ने, प्राध्यापकों ने जो है वो
ग्रहण किया उसी तरीके से। तो मैं मतलब कह नहीं सकता हूँ उस तरह से कि मतलब वो ये कमी रह गई नॉवेल में, क्योंकि जब मैंने पढ़ा और उसने मेरा अपनी तरह से या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का अपनी तरह से निर्माण किया होगा उस नॉवेल ने, उसके मतलब जो कुछ तत्व तो रहे होंगे उसको हमने अपनी तरह से ग्रहण किए होंगे, हमने ये मतलब मिसिंग जिसको कहते हैं ना आप, मिसिंग पॉइंट जो है वो लगता नहीं। हाँ एक ये लगता है कि यार थोड़ा सा एक पक्ष जो है वो होता जिससे रोशनी आती है ना, अगर वो नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि इसके डिटेल्स जो है ना, मतलब पाने की जो तड़प है इस नॉवेल में वो मेरे को नहीं समझ में आया। नहीं देखिए, मैं ये आपसे सुन करके मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि मैं इस उपन्यास का बड़ा कहना चाहिए कंसिस्टेंट प्रशंसक हूँ, और इन सारी आलोचनाएं जो मैंने की वो एक तरह से डेविल्स एडवोकेसी जैसा आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने मन की बात कहूँ तो उपन्यास की जो एक तरह की निरंतर नकारात्मकता और विडम्बना परखता है वो जाने अनजाने आपको बेचैन करती है कि रास्ता आप खोजें। उपन्यास रास्ता नहीं दिखा रहा है तब भी रास्ता आप खोजें, और इस लिहाज से आपने बिल्कुल सही कहा कि कम से कम हमारी पीढ़ी का निर्माण करने वाले उपन्यासों में से एक उपन्यास ये है। आपका चूँकि मोहल्ला लाइव के दिनों से लेके अब तक अपने समय की युवा पीढ़ी से लगातार संवाद रहा है, बल्कि कई बार आप युवा सुलभ हरकतें भी करते रहे हैं अभी भी करते हैं तो मैं एक सामान्य सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये मानना सही है कि आज के नौजवानों में पढ़ने की आदत बहुत कम होती जा रही है, या ये केवल एक हाइपर रिएक्शन है? अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग पर्सनल लेवल पे इस इशू पे बात कर रहे थे तब मैं थोड़ा सा आपकी बात से हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन चूंकि अभी मैं सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि एक समय में जब केवल किताबें थी और ज्ञान और सूचना के बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, किताबों के साथ वक्त ज़्यादा बीतता था और वो लाजमी था, ज्ञान और सूचना के अभी स्रोत बेशुमार हैं, चाहे वो मतलब छोटी छोटी रोशनियों में ही सही, लेकिन उनके पास चीज़ें बहुत आ रही हैं। उसके बाद उनकी भूख उस तरीके से बचती नहीं है कि वो थोड़ी गहराई से किसी किताब की दुनिया में घुसें, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो मुझे लगता है कि आज भी पढ़ रहे होंगे, जिसकी सूचना हमारे पास नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग कभी नहीं बताते कायदे से पढ़ने वाले लोग कि हम मतलब इस तरीके से पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए हुई है कि आप देखिए कि आपके समय में या मतलब 2005 से पहले बहुत सारे स्टॉल्स होते थे जहाँ पत्रिकाएँ मिलती थी, जहाँ किताबें मिलती थी, अभी आप ढूंढे नहीं मतलब मिलती चीज़ें, अब रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डों पे वो स्टॉल्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि किताबों तक उनकी पहुंच जो है वो उनकी तरफ से ही वाला मामला नहीं है, बाज़ार ने भी अपने आप को अलग किया है इन तमाम पाठकों से। और दूसरा ये है कि अब बहुत सारा मतलब किंडल्स में किताबें आ गई हैं, अमेज़ॉन से किताबें आप ख़रीद रहे हैं, लेकिन अमेज़ॉन और किंडल्स तक कितने लोगों की रीच है? देखिए आपने कहा कि थोड़ी देर पहले आप मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे। हाँ, मुझे लग रहा था अभी भी दर्द दर्द नहीं नहीं दर्द का साझापन था। अभी भी आप विरोध नहीं कर रहे मेरी बात का, अभी भी आप उसे हाँ में हाँ मिलाना कहिए या दर्द का साझापन कहिए, समस्या ये है कि किंडल पर भी आप पढ़ें, किताब पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अमेजोन की वजह से किताब की दुकान रिलेवेंट हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे ऑनलाइन किताब खरीद सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। जहाँ तक आपने बात की सूचना और ज्ञान के बहुत सारे स्रोत, ये एक अलग बहस का विषय है, और कभी अगर अवसर मिला तो मैं किताब कार्यक्रम में चोम्स्की की किताब मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट के बहाने इस पर बात करूँगा। असल में सूचना और ज्ञान के स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किताब पढ़ने के एकांत का कोई विकल्प नहीं है। करेक्ट, आप किताब एकांत में पढ़ते हैं और एक अलग तरह के इंटरैक्टिव ढंग से पढ़ते हैं, बल्कि इंटरैक्टिव से ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ढंग से आप रोते हैं, आप हंसते हैं। एग्जैक्टली, और इसीलिए आप कहते हैं कि राग दरबारी ने मुझे बनाया, या आप कहते हैं कि राग दरबारी उन 3-4 उपन्यासों में से है जो हिंदी के किसी भी पाठक को बनाते हैं।
तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको हमें हमिलाना मत कहिए, बल्कि इस दर्द में साझेदार बने रहिए कि पढ़ने की आदत कम हुई है। खैर, हम लोग वापस लौटें। राग दरबारी जैसा कोई और उपन्यास आपको याद पड़ता है, हिंदी में या किसी भी भाषा में? राग दरबारी एक बहुत ही कड़ा नॉवेल है ना। उसके समकक्ष जो है वो मुझे याद नहीं आता अचानक से कि कोई किताब। हाँ, बहुत दिनों के बाद मैंने किताब पढ़ी ज्ञान चतुर्वेदी की, लेकिन वो उतना हार्ड हिटिंग नहीं था। एग्जैक्टली, बारामासी। बारामासी वो एक वो भी मेरी बहुत प्रिय किताब है। हाँ, बिल्कुल, है ना। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब आप सीधे कहोगे कि राग दरबारी जैसा असर, राग दरबारी जैसा तीर दिल में सीधे घुसाओ, उसकी कड़क जबान जो है उसने आपको सीधे सीधे जो है दे मारा हो, वैसा मुझे मतलब मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर है भी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैं खुद भी इसीलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि खुद मुझे ऐसा कोई उपन्यास याद नहीं आता। और जो आपने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जबान का जो कड़कपन है, हाँ, कड़कपन का मतलब ये कि असल में राग दरबारी की भाषा की जो रचनात्मकता है और वो पहले ही पैराग्राफ से आपको बांधती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो ट्रक को देखकर लग रहा था कि उसका जन्म सड़क के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। आप सोचिए ना, उस दशा का पूरा जो मतलब उन्होंने किया है कि भाई देश का जो सिस्टम है उससे जोड़ा है। पहले ही 2-3 पन्नों में कोई वाक्य ऐसा है? नहीं नहीं, वो हाँ, पहले ही 2-3 पन्नों में मिसाल का हर देश के सिस्टम जैसा है। मिसाल के तौर पे इसी तरह का वाक्य वो है कि इस देश की शिक्षा पद्धति की हालत सड़क पे पड़ी कुतिया जैसी है, जो चाहे लात मार के चल दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें ही राग दरबारी को केवल शिवपालगंज की कथा नहीं बल्कि एक व्यापक दुर्दशा का रूपक बनाती है। एक फिल्मकार के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर जो आप रहे हैं या अभी भी हैं, आपको लगता है कि आज 2017 में हम शिवपालगंज बनने की नियति की अनिवार्यता से बाहर निकल पाएंगे? और यहाँ मैं कोई आशावाद या निराशावाद की अपेक्षा नहीं करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अगर आपका कोई हो तो, कि आज जो शिवपालगंज सन 68 से लेकर आज तक सारे देश में फैला, बल्कि अब हमारी आत्मा तक में फैल चुका है, पसर चुका है, क्या कोई उम्मीद नज़र आती है इससे बाहर निकलने की, या एक केओस और अंधकार में ही दुनिया का और देश का भविष्य होना है? ऐसा है कि एक मतलब बहुत ही मशहूर शेर है, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो शिवपालगंज मतलब सड़ जाने की पूरी नियति के बीच जो है ना, वो रोशनियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। देश के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इसी देश में प्रतिरोध के बहुत सारे स्वर आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं। देश नहीं, मैं सारी दुनिया की बात, सारी दुनिया के समय है ना, खगोलीकरण के बाद अब कोई देश एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। मतलब रेणु जिस तरीके के रिपोर्टाज लिखते थे जी, बाढ़ के दिनों में जब चारों तरफ पानी ही पानी है और पूरा गाँव बांध पर सिमट आया है और बाढ़ के पानी का कटाव तेज है और बांध दोनों तरफ से कट रहा है और गाँव के लोगों को लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, उसी बीच में रेणु लिखते हैं कि कहीं एक दिया जलता है और कुछ लोग ढोल मजीरे के साथ जीवन के गीत गाने लगते हैं। तो जो लेखक पूरे अंधेरे में उम्मीद को देख रहा है, वो लेखक दरअसल एक नागरिक भी होता है। हम जो इस समय पूरे देश के शिवपालगंज बन जाने की नियति के शिकार हो रहे हैं, हमारे में से ही कोई एक आदमी जो है इसका एक प्रतिरोध रूपक भी रच रहा होगा। तो मैं तमाम विडंबनाओं के बीच भी बहुत निराशा से भरा हुआ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लोग उठ खड़े होंगे एक दिन। आपने अच्छा किया रेणु को याद करके, और इससे मुझे परसाई जी का वो निबंध याद आता है, फिर उसी नर्मदा मैया की जय, संयोग से वो भी नर्मदा की बाढ़ के दौरान लिखा गया है और वो भी इसी तरह का रूपक बनता है। और उसमें एक वो लड़की है जो अपनी कम उम्र और कमज़ोर नाव के बावजूद बहुत से लोगों को नाव से बचाती है। तो उसमें होता ही है कि लोग नर्मदा मैया की जय बोलते हैं जबकि बाढ़ नर्मदा में ही आ रही है। तो उस पर परसाई जी ये टिप्पणी करते हैं कि सब कुछ के बावजूद, सारी बाढ़ और इस सब के बावजूद, अंततः उसी नर्मदा मैया की जय जय। बिल्कुल, क्योंकि वहीं से आखिरकार जीवन निकलेगा। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है अविनाश, के राग दरबारी की संरचना में, उपन्यास की अपनी संरचना में, उससे आप क्या लेते हैं, आपका अपना टेक अवे क्या है, वो एक अलग बात है। राग दरबारी उपन्यास की अपनी संरचना में कहीं आशा की कोई किरण दिखती नहीं है।
और एक बहुत रोचक बात मुझे लगती है, आजकल बुद्धिजीवियों की बड़ी चर्चा होती है अलग अलग ढंग से, मुझे लगता है कि भारतीय बुद्धिजीवी की इतनी सटीक आलोचना जो कि उस उपन्यास के अंत में पलायन संगीत करके और उसी के साथ उपन्यास खत्म होता है और आखिर में हम देखते हैं कि दो बंदर बैठे हुए हैं और जिनके बारे में तय था कि उठेंगे तो भरतनाट्यम से नीचे नहीं उतरेंगे, इसके साथ उपन्यास समाप्त होता है। तो वो जो पलायन संगीत है, आपको क्या लगता है कि आज के बुद्धिजीवी, आज का बुद्धिजीवी उस पलायन संगीत की स्थिति से कुछ आगे हटाए या और अधिक पलायन की ओर गया है? अगर राग दरबारी का नरेटर अगर आज हो, मान लीजिए रंगनाथ सचमुच आज हो, तो आपकी क्या कल्पना है, वो उस पलायन संगीत के मुताबिक न्यूयॉर्क में होगा या हिंदुस्तान में होगा या हिंदुस्तान के किसी देहात में होगा, अगर रंगनाथ नाम का काल्पनिक चरित्र आज अपनी इतिहास की रिसर्च कर चुका हो तो? है, आप देखिए, मतलब आज जब गांव में हम पैदा होते हैं, थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद हम पलायन ही करते हैं, है ना। स्थितियाँ बहुत बदली नहीं हैं। राग दरबारी की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो कवि हैं कविता में कहते हैं कि देश को ऐसा होना चाहिए, है ना, पेड़ हरा है उससे हरापन सीखो। ये मतलब उपदेश देने की जो पूरी जो शैली अपनाई हमारे कवियों ने, आत्मालोचना कहीं नहीं है। कवि या कथाकार अंततः एक नागरिक है, है ना। जब वो बहुत सारे किरदार को रचते हुए दिखाता है कि ये गल रहे हैं, ये सड़ रहे हैं, ये सड़े हुए लोग हैं, अपने आप को थोड़ा अलग कर लेता है और अगर कहीं आशा की किरण देखती है तो वहाँ खुद को रोकने की कोशिश करता है। सबसे अच्छी बात राग दरबारी में ये है कि लेखक ने लेखक बिरादरी को भी उसमें कटघरे में खड़ा किया है। हाँ बिल्कुल किया है, है ना, और काफ़ी कठोर ढंग से किया है। और जिस और सबसे बड़ी एक बात और मुझे नज़र आती है उसमें कि हम एक अलग किस्म के साहित्य रचने वाले लोग हैं और पल्प फिक्शन या स्ट्रीट फिक्शन या सस्ती शायरी को जो है हम मानते हैं कि ये दोयम दर्जे की चीज़ है, इसको बिल्कुल किनारे रखना चाहिए। पहला वो नॉवेल है, उससे पहले का मुझे पता नहीं, आपको पता होगा, जिसने स्ट्रीट लिटरेचर को भी जो है कायदे से अंडरलाइन किया है, कुछ सस्ते शेर उन्होंने बार बार इस्तेमाल किए हैं। मेरा सवाल स्पेसिफिक था रंगनाथ के बहाने, क्योंकि रंगनाथ इतिहास में रिसर्च कर रहे हैं और स्वास्थ्य बनाने के लिए अपने मामा के छः सात महीने के लिए गए हैं और फिर अंततः ये होता है कि वो थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर एकाएक पलायन संगीत उनकी आत्मा में गूंजता है कि सब भाड़ में झोंको और चलो निकलो, और उसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के और उसके नाम आते हैं। लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है कि आज जो भारतीय बुद्धिजीवी है वो राग दरबारी के अंत के पलायन संगीत की गिरफ्त में आपको लगता है या उससे बाहर निकलने की छटपटाहट में आपको लगता है? नहीं, मैं सवाल को इस तरह से, बाहर निकलने की छटपटाहट तो है ही, और आपको लगता है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं या जो लोग उस चीज़ का हिस्सा हो जा रहे हैं, है ना, उस ट्रोल का हिस्सा हो जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो हिस्सा हो रहे हैं ना वो उसी लायक हैं, वो बुद्धिजीवी नहीं है। जो असल बुद्धिजीवी है वो हमेशा यथास्थितिवाद के खिलाफ जो है वो एक टेक रखेगा, है ना, वो उसकी छटपटाहट होगी या कुछ करने की गरज होगी, कुछ तो होगा। बहुत बढ़िया, है ना। बातचीत को फिलहाल यहाँ विराम देते हुए हम ब्रेक के बाद फिर से इस बातचीत को यहीं से शुरू करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राग दरबारी को अगर हम हूबहू आज की तारीख में वैसा का वैसा रखें तो बहुत उम्दा कथा होने के बावजूद ये हो सकता है कि आज के यूथ को वो कनेक्ट न करे, लेकिन अच्छी बात ये है राग दरबारी में कि उसको आज के समय में अगर अपडेट करके भी कहा जाए तो बहुत बात छूटेगी नहीं। नमस्कार, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका, और ये बातचीत जारी है राग दरबारी पर अविनाश दास के साथ। पहले सवाल या टिप्पणी के लिए डॉक्टर संतोष पांडे, आपने श्रीलाल शुक्ल का और ख़ास करके राग दरबारी का विशेष अध्ययन किया है, उन पर शोध किया है और आजकल हमीरपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अध्यापक हैं। डॉक्टर संतोष पांडे जी, थैंक यू सर। मेरा नाम संतोष पांडे है, मैं हिंदी विभाग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हमीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।
अविनाश सर, मेरा मुख्य सवाल ये है कि शिक्षा व्यवस्था पर इस उपन्यास में शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर माने अंत तक टिप्पणी की गई है। जैसा सर ने कहा कि जो रूपक लास्ट में आता है, मदारी है, बंदर बदरिया है, डुगडुगी है, उसको सत्ता तंत्र, उसके हथियार, आम जनता को रख करके हम देख सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि 68 में जो बुद्धिजीवी वर्ग का खाका रंगनाथ के बहाने उन्होंने खींचा है, कहने का मतलब सक्रिय प्रतिरोध की गुंजाइश नहीं बनी रंगनाथ के द्वारा, क्या 2017 में कमोबेश स्थिति वैसी ही नहीं है? जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि स्थिति विदारक हुई है। आप देखिए कितना बंदरबाट चल रहा है, है ना। मैंने जो फिल्म बनाई उसमें भी विलेन जो है मैंने एडुकेशन के एक बड़े आदमी को बनाया है। इसके लिए मुझ पर सवाल भी कई सारे लोगों ने किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार स्थितियाँ बदली हैं, बल्कि वो फोरकास्ट है। हो सकता है उस समय उतनी बुरी स्थिति नहीं हो जितनी बुरी स्थिति राग दरबारी में मतलब दर्शाया गया है, हम एज्यूम कर सकते हैं। आज तो मतलब स्थितियाँ ख़राब है। आप देखो कि क्लास में अगर महिला पात्र वो दिखाते तो स्वेटर बुनती हुई दिखाते, है ना, या उबासी लेते हुए दिखाते। वहाँ तो जितने पात्र हैं कम से कम मतलब क्लास छोड़ करके आटा चक्की तो भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी तो दिखा रहे हैं वहाँ, है ना। वो तो एनर्जी हो गई। एक बात याद आती है कि उपन्यास में दलित पात्रों की अनुपस्थिति, लेकिन एक संकेत इतना मार्मिक है, जब वो रुपन बाबू दलितों की बस्ती से गुजरते हैं और कुछ उनके हालचाल पूछते हैं, तो वो दलित पात्र कहता है कि रुपन बाबू आज इधर कैसे, कोई चुनाव आने वाला है क्या? प्रधानी का चुनाव तो हो गया, अब कौन सा चुनाव आने वाला है? तो रुपन बाबू कहते हैं साले गंजापन झाड़ रहे हो। तो इस तरह की जो सूक्ष्म टिप्पणियाँ उपन्यास में हैं वो अलग ही है। इसका जो कह रहे थे कि भाई मर्दवादी मर्दवादी लगातार वो इसको कोट कर रहे थे, दलित नहीं है, स्त्री नहीं, ये आरोप लगाए गए उस उपन्यास पर। एक गांव में ब्राह्मणों का पूरा खेल वर्चस्व है ना। उन्होंने दिखाया है कि ये कैसे लोग हैं, है ना, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये विष हैं, ये जहर हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत महिमामंडित किया है मर्दों की उस दुनिया को, है ना। दिखाया है कि ये ऐसे ही लोग हैं। तो आप इस तरीके से इसको एक स्त्रीवादी उपन्यास मान सकते हैं, इस तरीके से इसको एक दलित को लेकर के एक अच्छा नज़रिया रखने वाला उपन्यास मांग सकते हैं कि इन्होंने मर्दों की सवर्ण दुनिया को थोड़ा सा उघाड़ा है, उसकी सड़ांध को जो है दिखाया है। डॉक्टर लोकेश गुप्ता, मैं बड़ा डर जाता हूँ जब नहीं पढ़ाने वाले लोग जो हैं। बिल्कुल बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत साधारण सा सवाल है और आपकी बातों में बस बात रखूँगा कि आपने कहा कि गाँव का बिगड़ना शुरुआत की, कि शिवपालगंज को जो दिखाया गांव का बिगड़ना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये नैतिकता वर्सेस नैतिकता की जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ नई नैतिकताएं भी बन रही होती हैं जिनको कुछ लोग ये कहते हैं कि वो नैतिकताओं के बंधनों को तोड़ रहे हैं। वो एक चीज़ है कि हम उसको गाँव का बिगड़ना कह सकते हैं, लेकिन एक नवीन प्रकार की नैतिकता भी बन रही होती है, नवीन प्रकार की नैतिकता, जो मैंने अक्सर अपने घर मेवात में देखने की कोशिश भी की। एक किस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जनता को अगर हम सिर्फ देखें शिवपालगंज के माध्यम, सिर्फ एक वोट देने का माध्यम है, बाकी नेक्सस है वो आप जो आपने बंदरबाट समझाने की कोशिश की, पूरा नेक्सस है, एक रस समाज हो रहा है। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि जहाँ समाज एक रस हो रहा हो, 1968 का कोई उपन्यास, यदि आप, मैं तो एक निदेशक के रूप में आपको निर्देशक के रूप में देख रहा हूँ, निर्देशक के रूप में अगर आप राग दरबारी को प्रस्तुत करेंगे, फिल्मांकन करेंगे उसका, तो क्या राग दरबारी के मूल स्वरूप को एज इट इज, जो उसकी भावना, जो उसकी बातें हैं, उनको रख पाने में आप समर्थ होंगे जहां पर इंटेलेक्चुअल विरोध लगभग मौन है? मतलब सिनेमा जब किसी भी साहित्यिक कृति या रचना पे बनता है तो वो एक तरह की पुनर्रचना होता है। सिनेमा के भीतर भी जो है ना वो कई सारे स्टेज होते हैं। जैसे हमने एक कहानी लिखी, हमने उसको शूट किया अपनी तरीके से, उसकी रचना की, वहाँ भी कई बार रीराइट होता है। जैसे जब हम एडिट की टेबल पे बैठते हैं तो वहाँ भी रीराइट होता है। राग दरबारी को अगर हम हूबहू आज की तारीख में वैसा का वैसा रखें तो बहुत उम्दा कथा होने के बावजूद ये हो सकता है कि आज के यूथ को वो कनेक्ट न करे। लेकिन अच्छी बात ये है राग दरबारी में कि उसको आज के समय में अगर अपडेट करके भी कहा जाए तो बहुत बात छूटेगी नहीं।
हम उस समय की कहानी को हुबहू आज के समय में अगर शिफ्ट करने की कोशिश करें तो उपन्यास का जो है वो स्वर, उसकी आत्मा जो है बची रह जाएगी। यही राग दरबारी की सबसे बड़ी खूबी है। बहुत बढ़िया। मैं जब राग दरबारी, क्योंकि मैं सत्यवती कॉलेज में पढ़ाता हूँ और वहाँ कैंपस से अलग एक तरीके का क्राउड है, तो राग दरबारी के साथ नई जनरेशन एकदम से कनेक्ट नहीं होती। उसको लगता है हम कोई कॉमेडी वाला चीज़ पढ़ रहे हैं, जब उसके भीतर के सटायर को हम समझाने की कोशिश करते हैं जो पॉलिटिकल मीनिंग है उसके। तो जब हम बात करते हैं कि जो असंतोष का खटराग इसका है, वो इतना है कि जिसकी लोकेश सर ने बात की इंटेलेक्चुअल्स की, जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, मैं उसको नए संदर्भ में जब देखता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि ये बड़ा निराशावादी है सर, और इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि सिस्टम एकदम क्रश कर देता है हम लोग को, और कहते हैं कि नून तेल और रोटी के चक्कर में ही रह जाते हैं, तो हम प्रोटेस्ट कहाँ करेंगे जी। आमतौर से बातचीत का क्रम पलटते हुए जी, आमतौर से लोग सवाल पूछते हैं हमारे अतिथि से या कभी कभी मुझसे। आपने एक बहुत रोचक बात कही है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अविनाश। आपने कहा कि आपके नए पीढ़ी के विद्यार्थी इस उपन्यास से रिलेट नहीं करते जी। ये मुझे भी लगता रहा है, ये मेरी भी चिंता का विषय रहा है। ऐसा क्यों लगता है उनको, वो क्यों नहीं कनेक्ट करते इस उपन्यास से, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? मैं प्लीज इस पर देखिए, मतलब जबान बदल गई है ना, इंट्रैक्शन का तरीका बदल गया है, मुहावरे बदल गए हैं, बट हमारे कोर्स की किताबें जो हैं हम वही पुरानी शैली की किताबें हैं, पुराने समाज की कथा है, पुराने समाज के नहीं, मुहावरे नहीं, वो एक नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो आज का जो यूथ है, हो सकता है कि उस पूरे शिल्प से, उस पूरे मेटाफर से, उस पूरी दुनिया से जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से एक बहुत कमाल की अस्थाई महत्व की चीज़ जो है वो अप्रासंगिक हो जाएगी। ऐसा उसका उसका प्रासंगिक बने रहना एक, लेकिन क्लासरूम में उसके साथ कनेक्ट कर पाना यूथ का, मुझे लगता है कि ये एक अलग डिस्कोर्स का नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, मैं केवल इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा संक्षेप में मैं जानना चाहता हूँ। आपने सही कहा कि दुर्भाग्य से, लेकिन देखिए एक बात है, पाठ्यक्रम दुनिया भर में जनरली बाई नेचर कंजर्वेटिव होते हैं। पाठ्यक्रम में, चाहे वो फिल्म का पाठ्यक्रम हो, चाहे साहित्य का, चाहे नृत्य का, पाठ्यक्रम में किसी रचना के पहुंचने के लिए उसका एक मैच्योरिटी का पीरियड, अब कोई महान फिल्म है वो भी 10 साल बाद कहीं पढ़ाई जाएगी, ये होता है, तो वो कंजर्वेटिव नेचर होता है पाठ्यक्रमों का। लेकिन आपकी जो चिंता है वो अपनी जगह जाया जी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्यों वो बच्चे क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं कनेक्ट करते, उनके क्या तर्क हैं? सबसे पहले तो मैं उनको राजनीतिक तौर पे जिस तरीके के कॉलेजों में जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है उसमें पॉलिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत स्पेस है नहीं। दूसरी बात कि फिर वही शिक्षा जगत वाली बात आ जाएगी, इसमें जो दरवाजे पे पड़ी हुई कुतिया की बात की जा रही है, तो वहाँ एक इंटरनल असेसमेंट जैसा भूत बिठा दिया गया है जिसका बड़े बेजा तरीके से भी यूज़ होता है, तो ये अलग कहानी है। लेकिन बच्चों के लिए जो भाषा का प्रश्न है उनके कम्युनिकेशन का, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि आपको क्यों अच्छी नहीं लग रही है, तो उनको वो मेटाफर समझ में नहीं आता कि शहर का किनारा जिसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। उसकी व्याख्या करने में उनको समझाना पड़ता है कि जैसे तुम ट्रेन से निकलते हो देखो तमाम इश्तेहार दीवारों पर मिल जाते हैं, हाशमी दवाखाना और तमाम चीज़ें, ठीक है वो, और जो सबसे बड़ी समस्याएँ जो उन्होंने गिनाई है कस्बाई होते शहर की तो गाँव की, तो ये बात उनको समझाने के लिए मुझे ऐसे बिल्कुल नीचे उतरना पड़ता है। उसके बाद वो कहते हैं सर वो जो आई थी ना गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्मों के तौर पे कह देंगे कि वो ज़्यादा ठीक है, मुझे लगता है देहात समझने के लिए, हाँ तो वो कनेक्ट ज़्यादा होता है भाषा। धन्यवाद, ठीक है। अपना नाम बताइए और सवाल पूछ लीजिए। मेरा नाम छाया है। मेरा प्रश्न है उसमें जो अपने वीसी का कैरेक्टर दिखाया है वो वीसी के कैरेक्टर की जगह अमूमन हम कल्पना करते हैं कि वहाँ पे कोई राजनीतिक शख्स होगा, जो कोई विधायक होगा, एमपी एमएलए, उस तरह का कैरेक्टर उस उसमें फिट बैठता है। लेकिन जो वीसी का उस तरह से चरित्रांकन किया गया है वो आपका कहीं ऐसा तो नहीं रुझान हुआ कि राग दरबारी पढ़ने के बाद वो चिंतन चल रहा था और आपने दिखाया कि इतनी निराशा फैल चुकी है, जैसे आज सीट कट है और शिक्षा तंत्र जो ठीक है, मैं मतलब मैं सवाल को यूँ रखना चाहूँगा, इनके सवाल को, कि अनारकली के वाइस चांसलर की प्रेरणा क्या राग दरबारी के किसी अध्यापक चरित्र से मिली है क्या? मैं इसका दो तीन पंक्तियों में ये जवाब देना चाहूँगा कि चूँकि अनारकली की कहानी भी मैंने लिखी है, और जैसे हम बहुत सारी फिल्म देख करके इंस्पायर्ड होते हैं फिल्म बनाने के लिए,
उसी तरह बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने के बाद हम इंस्पायर्ड होते हैं एक कहानी कहने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास से लेते हैं जो आपके अनुभव की चीज़ें होती हैं, और बहुत सारा जो मेटाफर है, बहुत सारे जो सिम्बॉल्स हैं, हम उन पढ़ी हुई चीज़ों से लेते हैं, उन स्मृतियों से लेते हैं जो आपके जीवन का हिस्सा रही हैं। तो राग दरबारी ही नहीं, बहुत सारे नॉवेल हो सकते हैं बिल्कुल, जहाँ से हमको ये शक्ति मिली कि मैं एक ऐसे विलन को सिनेमा में लाऊं जिसको आज तक विलन बनाया ही नहीं सिनेमा में। बहुत बढ़िया। और कोई सवाल? जी सर, ने बताया कि जैसा वर्तमान पीढ़ी उसे पसंद नहीं करती है, तो मेरा सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं इस उपन्यास में कमी तो नहीं है? साहित्य की जो एक मूलभूत उद्देश्य है, उस उद्देश्य से भटक तो नहीं रहा है? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, और अगर दर्पण है तो असलियत ही दिखाता है, और असलियत कहीं ना कहीं सबको पसंद आना चाहिए और आता ही है। आपने राग दरबारी पढ़ा है? जी बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सुन सुन के लगता है कि एक बार खुद की कसौटियों पर राग दरबारी को तौलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी किताब, रचना या व्यक्ति के बारे में राय अपने अनुभव के आधार पर बनानी चाहिए। आपने जो बात कही उसके बारे में केवल ये कहूँगा मैं कि राग दरबारी जो समाज दिखाता है वो दुर्भाग्य से अच्छा समाज नहीं है, वो चिंताजनक समाज दिखाता है। और इस लिहाज से राग दरबारी, उसकी सारी तारीफ इसी बात के लिए है, हालांकि बहुत से लोग इस पर डिबेट करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है, और सचमुच ये बहुत सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को मान लिया जाए तो राग दरबारी से बेहतर दर्पण तो स्वातंत्रोत्तर भारत का दूसरा कोई है नहीं, उस जमाने के समाज का। यही तो उस उपन्यास की ताकत है जो आज तक वो जीवित है। साहित्य का जो उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य को ये उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, उस उद्देश्य को अपने ढंग से खूब पूरा कर रहा है वो उपन्यास। और अभी जैसा अविनाश ने कहा, मेरा तो बहुत ही प्रिय उपन्यास है। नहीं नहीं, अभी जैसा अविनाश ने कहा कि वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, अपनी उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पर मेरे और अविनाश के उत्तर से आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए, अपना नाम बताइए। और डॉक्टर निर्मल पटनायक, यही दर्शन विभाग की अध्यापक, यही किरणमल कॉलेज में। तो इसके ऊपर मैं पहली बार अभी आधा घंटे पहले परिचित हुए। मैं इसके अंदर एक हमें जो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, तो इसके अंदर लैंग्वेज रियलिटी एंड थॉट जो यूथ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो सीजनरी परिपक्वता के साथ किसी रचना आता है, रचना के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति का धारा जैसा बीम बोलते हैं, जिसके अंदर सारे अलग अलग टाइम पे वो ऊपर, जैसे कि अलग अलग सेम नहाना जरूरी है, लेकिन अलग अलग टैप और वाटर में, तो जो प्रेजेंट जनरेशन और जो क्रिएटिव पीपल उसके अंदर एक क्राइटेरिया, या इसको जो लैंग्वेज या जो वर्ड पावर क्राइटेरिया से हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सोसाइटी और कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर जैसा वो ऊपर जैसे बोले कि रोते हंसते हैं और रोते हैं, तो इसके ये मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर राग दरबारी यही क्या नहीं है कि ये पोटेंशियल रिफ्लेक्शन सोल्यूशन रिलेटेड पोटेंशियल ऑलरेडी है, ये है क्या? नहीं नहीं, जी जी, जी जी। डॉक्टर पटनायक, आपने जो सवाल किया उस पर मैं, आप सही कह रहे हैं, और मैं केवल इतना कहूँगा कि राग दरबारी या किसी भी रचना की यही ताकत होती है कि वो लैंग्वेज की रियलिटी और पोटेंशियल दोनों को कैरी करता है, और राग दरबारी बड़ी हद तक करता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो पोटेंशियल को उतना कैरी नहीं करता। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म लेवल्ड एट राग दरबारी। और कोई सवाल? सर, एक अलग अलग महाविद्यालय में पढ़ाने का सौभाग्य मिला। एक जो बात आप स्टूडेंट के गैप की भी बात आ रही थी, गोदान से ज़्यादा पॉपुलर कोई उपन्यास नहीं है जहाँ तक हम मानते हैं। मैं दौसा कॉलेज में पढ़ाता था, नाम नहीं लेना चाहिए, वहाँ की लड़कियों को मैं गोदान समझाने में थक गया। उसका मैंने फिर निकाला कि क्या उनको शहर की कथाएं जल्दी समझ में आ रही थी, मतलब ये हुआ कि शहर के बच्चों को शहर की कथाएं समझ में आती है। अब एक पहली मूवी है उनको समझ में आ जाती, लेकिन पहली का भूत समझ में नहीं आता, जो भूत क्या है, तो उसके बिना मूवी कैसे समझ में आ जाए। हाँ, अब उनको वो भूत, अब उनको वो भूत समझाने के लिए मुझे राजस्थान की लोक कथाओं में जो मारवाड़ियों की लोक कथाएं, वो उनको कई सारी सुनानी पड़ रही। एक ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन अविनाश में इसमें एक बात ज़रूर जोड़ूंगा कि बड़े साहित्य की पहचान यही होती है कि वो लेखक और पाठक दोनों के लिए परकाया प्रवेश का माध्यम होता है। बहुत अच्छी बात है।
लेखक और पाठक दोनों के लिए परकाया प्रवेश का माध्यम है। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं दलित नहीं हूँ, आप स्त्री नहीं हैं, आप दलित नहीं हैं, लेकिन हम उस वेदना को समझते हैं या उससे जुड़ते हैं तो इसमें साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने अपने मैं बिल्कुल ठेठ सहराती परवरिश का इंसान हूँ, लेकिन गोदान से लेकर के रेणु से होते हुए राग दरबारी तक साहित्य के कारण मैं हिंदुस्तान के देहात को समझता हूँ। तो जो बात ये कह रहे हैं, देखिए आप लोग जो कह रहे हैं और ये संयोग से आप सब अध्यापक हैं, ये तो साहित्य के अध्यापन की समस्याओं का मामला है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये अध्यापकों की अपनी समस्या है कि हमारे पढ़ाने के ढंग में फिर वही वाली बात आ जाएगी कि शिक्षा पद्धति लेकिन हमारे पढ़ाने के ढंग में क्या है कि हम बच्चों तक ये बात नहीं पहुंचा पाते कि साहित्य परकाया प्रवेश है। मैं भूत को मानूं या ना मानूं, लेकिन उस कहानी के, और वो कहानी भूत मानने के लिए नहीं कहती आपसे, वो कहानी भूत के जरिए कुछ और बहुत गहरी बात कह रही होती है। नहीं तो वो हम पहुंचा नहीं पाते, ये हमारी प्रॉब्लम है, वो लेखक की प्रॉब्लम नहीं है या लोक कथा की प्रॉब्लम नहीं। एनीवे, और कोई सवाल या कमेंट? हाँ जरूर, अपना नाम बताइए और पूछिए। सर मेरा नाम आसिफ त्यागी है और मैं अंग्रेजी विभाग का छात्र हूँ इसी कॉलेज से। सर मेरा सवाल ये है कि राग दरबारी के प्रकाशन के बाद 50 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र की दशा दिशा को कैसे देखा जा सकता है? बड़ा कठिन सवाल है सर, लेकिन हम लोग पिछले घंटे से इसी पे बात कर रहे हैं। उस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमको लगता है कि वो हमारे आज के समय की कहानी है, है ना। शिवपालगंज की जो पूरी कहानी है वो हमारे देश की कहानी है, उसका जो रंगनाथ है वो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं बसा हुआ है, उसके वैद्य को हम अपने आसपास देखते हैं और कहीं दूर लंगड़ा को जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते लड़ते और हारते हुए देखते हैं, हारते हुए देखते हैं। तो मतलब इतने सालों के बाद भी वो उपन्यास जिंदा है और हम उस पर इतनी महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं केवल बातचीत की बात नहीं आसिफ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सही है कि साहित्य की लोकप्रियता इन दिनों बहुत कम हो गई है और जैसा उन्होंने बताया एक अलग तरह का साहित्य बोध पैदा हुआ है जिसमें क्या वो सिविल सर्वेंट और ये सब बच्चों को ज़्यादा तेज़ी से समझ में आता है। इसके बावजूद ये तो सच्चाई है कि इस उपन्यास के लिटरली अनगिनत संस्करण हो चुके हैं, ये सच्चाई है। जो संस्करण यहाँ रखा हुआ है आपके सामने वो पेपर बैक में संभवतः 12वां या 13वां संस्करण बताइए। तो उपन्यास लोकप्रिय है ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान दशा दिशा का कुछ रेजोनेंस इस उपन्यास में आप आज तक पाते हैं। बहुत धन्यवाद, और ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं और राग दरबारी की फैन फॉलोइंग है मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। अविनाश बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टीवी का कार्यक्रम किताब। अगले सप्ताह फिर भेंट होगी किसी और किताब पर बात करने के लिए किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।